हेलो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही एक अच्छी कहानी है। एक लड़का है चाइना का, जिसका नाम है मा लियांग। ये एक अनाथ बच्चा है, माँ बाप मर चुके हैं और पेंटिंग का बहुत अच्छा शौक है इसको, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। पेड़ पौधे एनिमल वगैरह बहुत चीज़ें बनाने का इसको शौक है और ये बहुत ही दयालु आदमी है लड़का, कि लोगों की मदद करना इसका एक शौक रहता है, उसका जी करता है कि मैं लोगों की मदद करूं। और ये बहुत ही एक अलग तरह के काम करता है। एक दिन रात को सपने में इसको एक ऐसा सपना आया कि रात को एक बूढ़े आदमी ने इसको एक ऐसी बर्स दी मैजिक वाली, कि किसी भी चीज़ को यदि वो पेंट करता है तो जीवित हो उठती है। कोई भी जो बेसहारा मजबूर परेशान लोग हैं उनकी मदद के लिए वो पेंट करके वो चीज़ बना देता है, वो जीवंत हो उठती है, उनकी मदद हो जाती है। एक बार इसने राइस बाउल था तो उस पर पेंट किया, और राइस बाउल जो था उसमें राइस तैयार हो गए उसने, और राइस खाए भी। तो इस प्रकार की बहुत अच्छी एक है, तो ये काल्पनिक लेकिन बच्चों को बड़ी पसंद आएगी इस प्रकार की कहानी है। एक बार इसमें कहानी में एक अमीर आदमी को लालच आ जाता है, जो इस बच्चों को ले जा करके नज़रबंद कर देता है, एक कैद खाने में डाल देता है। वो इसकी बर्स को चुरा ले जाता है, उसको लालच आ गया तो चाह रहा था मैं अभी भरूँ, मैं अब जो मान लीजिए सोने का पहाड़ बना दूंगा तो मेरे पास सोना ही सोना हो जाएगा। इस प्रकार से उसने उस लड़के को किडनैप कर लिया था। तो आगे कहानी के द्वारा आप जानिए, बहुत अच्छी जो कहानी है आपकी ये, तो कहानी के द्वारा आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीन पर ला करके मैं इसकी फ़ोटो उतार रखी है, तो स्क्रीन पर ला करके एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनिए। तो देखिएगा, ए लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना, बहुत समय पहले की बात है कि चाइना में देर वॉज एन ऑर्फन नेम्ड मा लियांग। एक अनाथ बच्चा रहता था जिसका नाम था मा लियांग। ऑल्दो ही वॉज, यद्यपि वह था पुअर, क्या था, गरीब था। ही वॉज हेल्पफुल एंड काइंड, फिर भी वो दयालु था और मददगार था, दूसरों की मदद किया करता था। He made a living by doing odd jobs for the people. He made a living. उसने अपना जीवन यापन किया, रोजी रोटी कमाता था by doing, करके, क्या करके, odd job, छोटे मोटे काम करके, for the people, लोगों के लिए। He was always willing to help those who needed it. He was always willing. उसकी हमेशा इच्छा रहती थी टू हैव दोज, उनकी मदद करने की, हु नीडेड इट, जिसको इसकी जरूरत होती थी, उनकी मदद करने के लिए इसकी हमेशा ही इच्छा रहती थी। लियांग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रॉइंग, लियांग को ड्रॉइंग का बहुत ही ज्यादा चाव था, शौक था। ही वॉन्टेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। वह नहीं गई वह, जब बड़ा होकर के वह क्या चाहता था, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। He would draw whenever he could. वह draw करता था जब भी उसको समय मिलता था, and whatever he was doing, और जो भी वो कर रहा था, plants, animals, birds and people, कोई भी चीज़ वो drawing कर दिया करता था, पेड़ पौधे, animal, आदमियों के picture बनाना। Soon he became very good at it. शीघ्र ही वह इसमें बहुत ही निपुण हो गया, बहुत अच्छा हो गया। One night, एक रात को लियांग ड्रीम्ड दैट, लियांग को स्वप्न दिखाई दिया कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, गेव हिम ए मैजिक पेंट बर्स, एक बूढ़े आदमी ने इसको मैजिक पेंट बर्स दिया, एंड आस्क्ड हिम टू यूज इट टू हेल्प पीपल, और उसको कहा कि इस पेंट बर्स के द्वारा अपने लोगों की मदद करनी है। लियांग वॉक अप, लियांग जगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब हुई तो लियांग जगा। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड ब्रैंड न्यू पेंट बर्स ऑन हिज बेड, वह हैरान रह गया अपने बेड पर एक नई पेंट बर्स को पा करके। लियांग वॉज सो हंग्री, लियांग बहुत भूखा था, दैट अनोइंगली ही पिक्ड अप द पेंट बर्स, तभी उसने अनजाने में उस पेंट बर्स को उठाया, एंड पेंटेड ए बाउल ऑफ राइस, एक राइस बाउल जो रखा हुआ था उसको उसने पेंट कर दिया। एट वंस, तुरंत क्या हुआ, द राइस बिकेम रियल,
और जो राइस थे वो असली बन गए। लियांग क्विकली एट इट अप, लियांग ने जल्दी से इनको खाया क्योंकि भूख लगी हुई थी। ही ड्रू मैनी मोर थिंग्स, उसने बहुत सारी और चीजों को भी ड्राइंग किया। एंड लो एंड बिहोल्ड, अपनी सभी जो अच्छी उसकी चीजें थी उनकी जरूरत की उस सभी को उसने पेंट कर दिया। दे ऑल केम टू लाइफ, वे सभी जीवंत हो उठी। लियांग वॉज थ्रिल्ड, जो लियांग था बहुत खुश हुआ। ही बिगेन टू यूज हिज पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर, वह इस पेंट ब्रश का जो इस्तेमाल करना चाहता था गरीबों की मदद के लिए। ही वुड पेंट वट एवर द विलेजर्स वॉन्टेड, वह वही पेंट करना चाहता था जो ग्रामीण चाहते थे, जिनकी ग्रामीणों को जरूरत थी। ही ड्रू ए रिवर फॉर दोज, उसने एक नदी पेंट कर दी, नदी बना दी पेंटिंग से। हु वॉन्टेड वाटर, जो पानी चाहते थे उनके लिए। एंड फूड फॉर दोज, और भोजन उनके लिए। हु नीडेड फूड, जिसको भोजन की जरूरत थी। मिराकुलसली एवरीथिंग केम टू लाइफ, अचंभे की बात है, मिराकुलसली होता हैरान कर देने वाली बात, अमेजिंग। तो क्या हुआ, एवरीथिंग केम टू लाइफ, सभी चीजें जीवन में आ गई, जीवंत हो उठी जो भी उसने पेंट किया। द पीपल वर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश हुए थे। दे बिगेन टू फ्लोरिश, वे अच्छा जीवन यापन करना शुरू हो गया, उनका मतलब अमीर होते चले गए। सून वर्ड ऑफ लियांग्स मैजिक पेंट ब्रश बिगेन टू ट्रेवल बियॉन्ड द विलेज, शीघ्र ही जो मैजिक ब्रश थी लियांग की, इसका जिक्र जो था गांव के बाहर भी जाने लगा। इन द नेक्स्ट विलेज दे लाइव्ड अ रिच मैन, अगले ही गांव में एक अमीर आदमी रहता था। हु वॉज ग्रीडी एंड मीन, जो नीच था और लालची था। वेन ही हियर्ड ऑफ द मैजिक पेंट बस, जब उसको मैजिक पेंट बस के बारे में पता चला, ही वॉन्टेड द बस फॉर हिमसेल्फ, तो उसने उस बस को अपने पास पाना चाहा। आई विल बिकम रिचर एंड मोर पावरफुल, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। थॉट ही, उस अमीर आदमी ने सोचा। ही स्टोल द मैजिक बस, उसने मैजिक बस को चुरा लिया फ्रॉम लियांग, लियांग से। एंड थ्रू हिम इनटू ए डंगियन, और जो किसको फेंक दिया, उस लड़के को, लियांग को जो है एक नजरबंद कर दिया, एक कैद खाने में फेंक दिया। नाउ द रिच मैन वॉन्टेड टू शो ऑफ हिज न्यू पोजेशन टू हिज फ्रेंड्स, अब ये जो आदमी जो अमीर था, ये अपने कब्जे में जो आई हुई चीज थी पेंट ब्रश, इसको सभी को दिखाना चाहता था। ही इनवाइटेड देम, तो अमीर आदमी ने उनको इनवाइट किया टू हिज हाउस, अपने घर पर। एंड बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स, और पिक्चर्स बनाना शुरू कर दिया। ही वेटेड फॉर द पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स का इंतजार किया टू कम अलाइव, पेंट करने के बाद, पेंटिंग करने के बाद, नई नई जो पेंटिंग उसने बनाई, पिक्चर्स बनाई वो करने के बाद, वह उनका इंतजार करने लगा कि ये जीवंत हो उठेंगी। बट अलास, बड़े दुख की बात है, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। नोन केम टू लाइफ, कुछ भी जीवंत नहीं हुआ। दिस मेड हिज वेरी क्रॉस, इससे वह बहुत गुस्से में आया, उसको बड़ा बुरा लगा। देयर मस्ट बी ए सीक्रेट दैट आई डू नॉट नो अबाउट, यहाँ पर जरूर कोई सीक्रेट है, कोई रहस्य है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा इस अमीर आदमी ने सोचा। आई मस्ट फाइंड आउट फ्रॉम मां लियांग, मैंने जरूर ये बात मां लियांग से पूछनी चाहिए। ही थॉट, उसने, अमीर आदमी ने सोचा। एंड राइट अवे सेंट फॉर लियांग, तभी लियांग को बुलवाया गया। अब आगे देखिए, इफ यू ड्रॉ सम पिक्चर्स, यदि तुम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो फॉर मी, मेरे लिए, एंड दे बिकम रियल, और यदि वे वास्तविक हो जाएंगी, आई विल सेंड यू फ्री, तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। ही सेड टू लियांग, अमीर आदमी ने लियांग को कहा। लियांग न्यू दैट, लियांग जानता था कि द रिच मैन वॉज नॉट ए गुड मैन, कि अमीर आदमी अच्छा आदमी नहीं है। He certainly didn't want to help him. निसंदेह वह निश्चय रूप से वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था।
बट एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू बी फ्री, लेकिन लियांग भी क्या करे, वह उसी समय बेचारा मुक्त भी होना चाहता था, वहां से छुटकारा भी चाहता था। सो ही केम अप विद एन आइडिया, तो लियांग के दिमाग में एक आइडिया आया, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूंगा, बट यू मस्ट लेट मी फ्री फर्स्ट, लेकिन आपको पहले मुझे मुक्त करना होगा, मुझे पहले छोड़ना होगा। ही सेड, लियांग ने कहा। द रिच मैन रेडली एग्रीड, अमीर आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ, अब लियांग ने उसे पूछा, तो मुझे बताइए आप क्या ड्रॉ करवाना चाहते हैं। आस्क्ड लियांग, लियांग ने पूछा, पेंट मी ए माउंटेन ऑफ गोल्ड, तो अमीर आदमी ने क्या कहा, मेरे लिए एक सोने का पर्वत बना दो। आई विल गो देयर टू गैदर द गोल्ड, मैं वहां सोना इकट्ठा करने जाऊंगा। इंस्टेड की बजाय लियांग ड्रू ए पिक्चर ऑफ द सी, अब उसकी बजाय लियांग ने एक जो है समुंदर की, जो है सागर की पिक्चर बना दी, पानी पानी की। द रिच मैन वॉज फ्यूमिंग मैड, बुरी तरह से जो है वो अमीर जो आदमी था वो फ्यूमिंग हो गया, फ्यूमिंग होता है नाराज होना, नाराज हो गया देख के। आई टोल्ड यू टू ड्रॉ ए गोल्ड माउंटेन, मैंने आपको एक गोल्ड माउंटेन बनाने को कहा था। ही शाउटेड एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाया अमीर आदमी। आगे देखिए लास्ट पेज आ गया। लियांग कंटिन्यू टू ड्रॉ क्वाइटली, लियांग लगातार ऐसे ही बनाता रहा। ही ड्रॉ द माउंटेन ऑफ गोल्ड बट फार अवे फ्रॉम द सी, उसने माउंटेन ऑफ गोल्ड तो बनाया लेकिन समुन्द्र से दूर। When the rich man saw the mountain shining in gold, जब अमीर आदमी ने देखा कि माउंटेन जो है सोने से चमक रही है। His eyes lit up, उसकी आंखें चमक उठी। Like two yellow suns, जैसे कि दो सूर्य उसकी आंखों में चमक रहे हों। Yes, मजा आ गया। He said, उसने कहा, That's much better, ये बहुत अच्छा है। Quickly draw me a boat to get there, तुरंत मेरे लिए एक नाव बनाओ जिससे कि मैं वहां जा सकूं। जस्ट एज ही वॉज टोल्ड, जैसा कि इसको कहा गया था, लियांग ड्रू ए लार्ज ड्रैगन बोट, एक बड़ी सी ड्रैगन बोट उसने लियांग ने बना दी। द नेक्स्ट थिंग ही न्यू वॉज दैट, अगली बात जो वह जानता था वो ये है कि द रिच मैन हैड जम्प्ड इनटू द बोट एंड सेट ऑफ टू गेट द गोल्ड, जो जानता था लियांग के अमीर आदमी नाव को भी छोड़ के पानी में कूद जाएगा, सोने को देख करके चाहेगा जल्दी से पहुंच जाऊं, जल्दी से पहुंच जाऊं। तो ऐसा ही उसने किया, गोल्ड को पाने के लिए वो कूद गया। अब देखिए आगे, व्हेन द बोट रीच्ड द मिडल ऑफ द सी, जैसे ही नाव समुन्द्र में बीच में पहुंची, मा लियांग ड्रू ए ह्यूज वेव, तो मा लियांग ने पेंटिंग में एक बड़ी सी लहर बना दी। The wave at once came to life, जो वेव थी लहर थी एकदम से जीवंत हो उठी। It destroyed the boat and the man in it, तो क्या हुआ, जो लहर में वो नाव भी और वो जो अमीर आदमी था वो दोनों तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए। The rich man was never seen in the village again, अब दोबारा से रिच मैन वहां पे गांव में दिखाई नहीं दिया। मा लियांग कंटिन्यू टू यूज हिज मैजिक पेंट बस, मा लियांग ने अपनी मैजिक पेंट ब्रश का लगातार यूज किया। टू हेल्प द पुअर, गरीब आदमियों की मदद के लिए। द पीपल ऑफ द विलेज, लास्ट लाइन में देखिए, द विलेज वर एवर सो ग्रेटफुल टू लियांग एंड हिज मैजिक पेंट ब्रश, लोग जो गांव के थे हमेशा ही उसके आभारी रहे, लियांग के और उसकी मैजिक पेंट ब्रश के वे आभारी रहे।